तो रेन इंडस्ट्री कंपनी के बारे में कहा जाए तो इसका जो अपार टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 165 रुपीज़। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो इसका जो लोअर टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 57 रुपीज़। और स्टॉक में ना आपका अपार टारगेट हिट ना भी हो सकता है क्योंकि स्टॉक गिरने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें तो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ना करके इसमें और भी बहुत सारे स्टॉक है वहाँ पर करें, ठीक है, बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर इसका कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कुछ ऐसा खास नहीं है कि आप इसमें ट्रेड कर ले, तो ये भी ध्यान देना, ठीक है। पर उसके बाद भी दोस्तों खुद एनालिसिस करके मार्केट में एंट्री करो बेस्ट रहेगा, और एनालिसिस करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि किसी भी फील्ड पर अगर प्रॉपरली वर्क करना है तो उस फील्ड का नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी एडवाइस नहीं देते। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नए वीडियो के साथ।